नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक कुमार, सहायक प्राध्यापक योग विभाग उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी। आज का जो टॉपिक है वो हमारा योग दर्शन का एक सामान्य परिचय है। ये आप ही सभी लर्नर्स के लिए, क्योंकि ये बीए का भी एक आपका पार्ट है और एमए का भी आपका पार्ट है। तो सबसे पहले हम आज की एक इसकी श्रृंखला शुरू करेंगे जिसमें योग दर्शन का एक सामान्य परिचय है, योग दर्शन के बारे में थोड़ा जानेंगे, उसके बाद हम इसको श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। सामान्य परिचय की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो भारतीय दर्शनों की जो संख्या है, भारतीय परंपरा में कितने दर्शन आसन जो हैं वो माने जाते हैं। तो भारतीय जो परंपरा है उसमें 9 दर्शनों का वर्णन आता है, जिसमें 6 आस्तिक दर्शनों का वर्णन आता है और 3 नास्तिक दर्शनों का वर्णन आता है। तो जो 6 आस्तिक दर्शन हैं उसी में ही योग दर्शन का समावेश है। जिस प्रकार आप इसमें देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले न्याय दर्शन का वर्णन आता है। न्याय दर्शन महर्षि गौतम ने इसकी रचना की, उनके द्वारा ये प्रतिपादित है। और वैशेषिक दर्शन अगला जो दर्शन है वो महर्षि कणाद द्वारा, सांख्य दर्शन महर्षि कपिल द्वारा, और जो योग दर्शन है वो महर्षि पतंजलि द्वारा, और पूर्व मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी द्वारा, और उत्तर मीमांसा या इसको वेदांत दर्शन के नाम से भी जाना जाता है, यह वेद नारायण द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया है। तो यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक है वो योग दर्शन के ऊपर है। तो 6 जो आस्तिक दर्शनों में से ही एक जो दर्शन है वो हमारा योग दर्शन है। नास्तिक दर्शनों की अगर बात की जाए तो 3 दर्शनों को नास्तिक दर्शनों के नाम से जाना जाता है, जो कि 1 बौद्ध दर्शन महात्मा बुद्ध द्वारा, जैन दर्शन महावीर स्वामी द्वारा, और चार्वाक दर्शन महर्षि चार्वाक द्वारा प्रतिपादित है। तो ये टोटल 9 दर्शन हैं, जिसमें से जो आपने पिछली स्लाइड में देखे थे 6 आस्तिक दर्शन हैं, और जो इस स्लाइड में आप जो देख पा रहे हैं वो 3 नास्तिक दर्शन हैं। अब यहाँ पर जब हम योग दर्शन की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं तो सामान्य परिचय उसका है, तो उसमें सबसे पहले कि ये दर्शन किसने लिखा, किसके द्वारा प्रतिपादित है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, ये महर्षि पतंजलि द्वारा रचित है और इसमें 195 सूत्र हैं, और इन्हीं को 195 सूत्रों को 4 अध्यायों में विभक्त किया गया है, जिसमें महर्षि पतंजलि ने सबसे पहले समाधिपाद का वर्णन किया है, जिसमें 51 सूत्रों का वर्णन है, और उसके बाद समाधिपाद जिसमें 55 सूत्रों का, उसके बाद विभूतिपाद जिसमें फिर से 55 सूत्र हैं, और उसके बाद कैवल्यपाद जो अंतिम अध्याय है उसमें 34 जो हैं सूत्रों का वर्णन है, कुल मिलाकर 195 सूत्रों का वर्णन आता है। तो महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन की व्याख्या में सबसे पहले समाधिपाद को रखा है, फिर साधनपाद को, फिर विभूतियों को, फिर कैवल्यपाद, अर्थात उस समाधि पहले उन्होंने समाधि को बताया है कि समाधि कितने प्रकार की है, समाधि कैसे प्राप्त होती है, समाधि में प्राप्त होने के उसके बाद उनके साधनों की बात करिए, द्वितीय अध्याय में क्या है उसके साधन हैं, समाधि को प्राप्त करने के क्या क्या साधन हैं, चाहे उसमें अष्टांग योग की बात कर लीजिए आप, तो क्या साधन है उसके समाधि को प्राप्त करने के लिए उसकी बात इसमें कही गई है। फिर जब हम साधन समाधि को जाने, साधनों की बात करी, उसके बाद उन्होंने बताया कि किस किस प्रकार की विभूतियाँ इसमें प्राप्त होती हैं साधक को, जिससे साधक को भ्रमित नहीं होना है, निरंतर आगे बढ़ता जाना है, उन विभूतियों को परे छोड़कर, उनको पृथक मानकर, उनको एक हम मान लीजिए कि उन विभूतियों से हम ये जान सकते हैं, साधक ही जान सकता है कि वो सही मार्ग पर जा रहा है या नहीं जा रहा है, उसके लिए वो एक प्रतीक का कार्य करते हैं कि विभूतियाँ कि हाँ हाँ मैं सही मार्ग पर हूँ, साधना के मार्ग पर हूँ या नहीं हूँ। तो विभूतियाँ कई विभूतियाँ साधक को प्राप्त होती हैं, वो आगे आप देखेंगे कि कौन कौन सी विभूतियाँ साधक को प्राप्त होती हैं, कि उन विभूतियों को भी एक बाधक तत्व का यहाँ पर नाम दिया गया है महर्षि पतंजलि द्वारा, कि इनमें भ्रमित नहीं होना है, ये भी एक बाधक हैं और इनसे आगे बढ़कर भी कैवल्य तत्व को प्राप्त करना है। सबसे पहले इसमें समाधि पाठ का वर्णन महर्षि पतंजलि ने किया है। तो सबसे पहले हमारा इसमें जो श्लोक जो सॉरी सूत्र जो शुरू होता है वो सबसे पहला है अति योगा अनुशासन, अर्थात अब हम अनुशासन प्रारंभ करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है अति योगा अनुशासन, मतलब अत का अर्थ होता है अब,
अनुयोगा अनुशासन मतलब उस योग का अनुशासन प्रारंभ करते हैं जिससे कि हम इस समाधि की स्थिति को, इस कैवल्य की स्थिति को प्राप्त करेंगे। उस अनुशासन पूर्वक उसको हमने करना है। साधक जिस प्रकार जो साधना करेगा उसको उस अनुशासन, एक विशेष अनुशासन है, उस अनुशासन को अगर वो अपने जीवन में उतारेगा है, तो ही उसको समाधि या कैवल्य की स्थिति प्राप्त होगी। अर्थात इस सूत्र का यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि हम उस शास्त्र का प्रारंभ या शुभारंभ करना जा रहे हैं जिसके माध्यम से वो समाधि या कैवल्य की स्थिति साधक को प्राप्त होगी। तो इसी का तो सूत्र है, उसमें सूत्र में क्या कहा गया है, योगस्य चित्तवृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की जो वृत्तियां हैं उनका निरोध या ठहर जाना, उनका रुक जाना या उनका विचारों का हट जाना ही क्या है, योगस्य चित्तवृत्ति निरोध मतलब योग की चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना ही या रुक जाना ही समाधि की स्थिति है या कैवल्य की स्थिति है। उसके लिए महर्षि पतंजलि जी ने आगे साधन पाद में उसका वर्णन किया है कि किन किन साधनों का अभ्यास करके ये चीज़ों चित्त की वृत्तियां हैं वो उनका निरोध होता है और क्या क्या इसमें अभ्यास करना चाहिए। अर्थात इसमें जो चार चीज़ें आ रही हैं, एक आता है योग, एक आता है चित्त, एक आता है वृत्तियां, एक आता है निरोध, मतलब इन चार चीजों को अलग अलग तरीके से हम आगे देखेंगे कि योग क्या है, चित्त क्या है, चित्त की वृत्तियां क्या है और उसके निरोध के क्या उपाय हो सकते हैं। सबसे पहले आप जानेंगे कि योग दर्शन में कुल मिलाकर 26 तत्वों का वर्णन आता है। जैसा कि आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा कि योग दर्शन में 26 तत्वों का वर्णन आता है और योग दर्शन को त्रेतवाद के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें तीन चीज़ें आती हैं, ईश्वर, पुरुष और प्रकृति। इन तीन चीज़ों का वर्णन आता है, ईश्वर एक नंबर, एक ईश्वर नंबर, दो पुरुष और प्रकृति। प्रकृति के टोटल 24 तत्व होते हैं, स्वयं एक प्रकृति होती है, उसके प्रकृति के अंदर 23 तत्वों का वर्णन आता है। तो 23 तत्व टोटल वो हो गए, एक प्रकृति 24 हो गई, 25वीं पुरुष हो गया, 26वां ईश्वर हो गया, तो टोटल 26 तत्वों का वर्णन आता है जिसकी हम आगे वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले जब हम इसमें पहले तत्व का वर्णन जिसमें आता है ईश्वर के बारे में, तो ईश्वर के बारे में इसमें कहा गया है, क्लेश कर्म विपाक आशयो परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि इन चार चीज़ों से, क्लेश से, कर्म से, विपाक से और आशय से, अर्थात इन चारों भी चीज़ों से जो परे है वह पुरुष विशेष जो है वह ईश्वर है। अर्थात क्लेशों का इसमें आगे आप पढ़ेंगे तो पांच क्लेशों की बात यहाँ पर की गई है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अर्थात क्लेशों का मतलब है अविद्या से, अस्मिता से, राग से, द्वेष से और अभिनिवेश से, इन चारों चीज़ों से जो, इन पांचों चीज़ों से जो परे है वह ईश्वर है। कर्म, इसमें चार प्रकार के कर्मों का वर्णन है, आगे आप पढ़ेंगे इसमें देखेंगे तो चार प्रकार के जो कर्म हैं उन कर्मों से भी जो परे है वह पुरुष विशेष ईश्वर है। विपाक, अर्थात इसके जो फल हैं उनसे भी जो परे है वह पुरुष विशेष ईश्वर है। आश्रय मतलब उसके जो आश्रय, उसका जो संस्कार हैं जो पढ़ते हैं उसके भी जो परे है वो ईश्वर है। अर्थात क्लेश कर्म विपाक आशय से जो परे है वह पुरुष विशेष जो है वह ईश्वर की संज्ञा उसको दी गई है। नंबर एक में आता है ईश्वर, मैंने तीन चीज़ें बताई, नंबर एक ईश्वर, प्रकृति और पुरुष कहा गया है। तदा दृष्ट स्वरूपे अवस्थानम, अर्थात जब चित्त की, जब योगी जब साधना कर रहा है तो उसकी जब चित्त की वृत्तियां सर्वथा उनका रुक जाना या उनका निरोध हो जाना हो जाता है तो उसे समाधि की स्थिति प्राप्त हो जाती है। जब वो समाधि की स्थिति साधक को प्राप्त होती है तो जो वो पुरुष है वो अपने पूर्णांश, जो ईश्वर का अंश है, उसमें विलीन हो जाता है, वह अपने वास्तविक स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। वास्तविक जो स्वरूप है उसका, वास्तविक स्वरूप है, जैसे ये जीवात्मा है वो परमात्मा है, तो उस परमात्मा में ये अपना विलन विलय हो जाता है इसका, आत्मा का, जीवात्मा का, तो उसको कहते हैं कि अपने रूप में प्रतिष्ठित हो जाना या स्थिर हो जाना, उसका पूर्ण, उसका ओरिजिनल जो रूप है वो क्या है, वो परमात्मा पे है, तो परमात्मा पे ही वो क्या हो जाता है, विलय हो जाता है, उसका प्रतिष्ठित हो जाना, अर्थात उसको कहते हैं दृष्टा, अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है। तो ये जो छोटा सा अंश हमारे अंदर है जीवात्मा पर, उस परमात्मा का, वो अपने पूर्णांश परमात्मा में विलय उसका हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तो इसी को कहते हैं कि इस कैवल्य की प्राप्ति या समाधि की प्राप्ति।
आगे इसी प्रकार प्रकृति की जहाँ पर जो बात कही गई है, प्रकृति के मैंने अभी बताया था आपको, पहले एक तत्व है ईश्वर, एक तत्व है आपका पुरुष और तीसरा तत्व है प्रकृति। तो प्रकृति के यहाँ पर ये हैं 23 तत्व मैंने आपको बताए थे। तो 23 तत्व इसमें हैं। सबसे पहले महत्व तत्व की उत्पत्ति बताई गई है, फिर अहंकार की बताई गई है। अहंकार 3 प्रकार का बताया गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो 3 प्रकार के अहंकारों की यहाँ पर बात की गई है। तो जो सात्विक वाला अहंकार है उससे हमारी एक तो पंच ज्ञानेंद्रियाँ उत्पन्न होती हैं और दूसरा 5 कर्मेंद्रियाँ उससे उत्पन्न होता है, तो और एक मन, टोटल 11 चीज़ें। एक कौन कौन सी बताएं, एक तो नंबर 1 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 और एक मन। और जो तामसिक वाली स्थिति अहंकार का, तामसिक वाला जो पार्ट है उससे 2 चीज़ें उत्पन्न होती, एक तो तन्मात्राएँ, 5 तन्मात्राएँ उत्पन्न होती हैं और पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। तो टोटल मिला के ये 23 तत्व हो जाते हैं। 5 तन्मात्राएँ, 5 पंच महाभूत 10 हो गए, और ज्ञानेंद्रियाँ कर्मेंद्रियाँ 20 हो गई, और एक मन 21 हो गया, अहंकार 22 हो गया, और बुद्धि महत्व वाला 23 हो गया, 24वीं प्रकृति हो गई, 25वां पुरुष हो गया, 26वां ईश्वर हो गया। तो टोटल मिला के योग दर्शन में इन 26 तत्वों का वर्णन मिलता है। तो 26 तत्वों के वर्णन में फिर आगे जो मैंने ज्ञानेंद्रियों की बात कही, तो ये ज्ञानेंद्रिय 5 हैं, जिसमें आँख है, नासिका है, कान है, जीभ है और त्वचा है। ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ कहा जाती है, जिससे हमें प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ज्ञानेंद्रियाँ मतलब जिससे हमें प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उसे हम ज्ञानेंद्रिया कहते हैं। जिनसे हम कोई कर्म करते हैं उनको कर्मेंद्रियाँ कहते हैं। कर्मेंद्रिय के अंदर 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, हाथ हैं, पैर हैं, गुदा है, उपस्थ है और वाणी है। तो ये 5 कर्मेंद्रियाँ हैं। और मन है, मन का जो कार्य है वो संकल्प और विकल्प है। इसी प्रकार आगे जो तन्मात्राओं की बात हम यहाँ पर करेंगे, तो तन्मात्राएँ हैं हमारे यहाँ पर जो है वो भी 5 हैं, जिसमें शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है और गंध है। ये 5 तन्मात्राएँ हैं, जिसका भी हम आगे वर्णन करेंगे आगे। तो इस प्रकार से पंच महाभूतों का वर्णन इसमें आता है, जिसमें आकाश है जो पंच महाभूत है, और उसका एक गुण है, क्या है, शब्द है, वायु है। उसके यहाँ पर 2 गुण हो जाते हैं, एक तो उसका खुद का स्पर्श, दूसरा आकाश से शब्द आ जाता है। उसी प्रकार से अग्नि का रूप है, फिर स्पर्श और शब्द हो जाता है। जल है, जल में रूप, रस और स्पर्श और शब्द आ जाता है। उसके बाद पृथ्वी है, उसमें गंध, रस, रूप और स्पर्श और शब्द, अर्थात प्रकृति का जो पंच तत्व है, लास्ट वाला जो पृथ्वी तत्व है, उसमें 5 गुण विद्यमान रहते हैं, जिसमें गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। तो इसीलिए जब हम कहते हैं कि जो अब अगले जो हमारा श्रृंखला होगी एक उसकी व्याख्यान की, उसमें हम ये बताएंगे कि जो पंच महाभूत हैं वो हमारे शरीर में क्या प्रतीक हैं उनका, पंच महाभूतों का। तो और योग जो मैंने 4 चीज़ें आपके बताई थी कि शुरुआत में, कि योग जो योगस्य चित्तवृत्ति निरोध जो सूत्र है उसमें जो 4 चीज़ें आती हैं, योग हो गया, चित्त हो गया और वृत्ति हो गया, निरोध के उपाय हैं, इसकी चर्चा, और जो पंच महाभूतों का जो हमारे शरीर में क्या प्रतीक है इसकी चर्चा तो हम अगले श्रृंखला में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।